हेलो एवरीवन वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल टुडे वी आर डिस्कसिंग मेंस करंट अफेयर्स टॉपिक बेस्ड ऑन जोग्रफी विच इज सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश सो वी हैव डिस्कस्ड आर मेंस करंट अफेयर्स इन पास क्लासेस द न्यू टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो दिस इज आर न्यू वीकली शेड्यूल विच यू कैन गो थ्रू तो फर्स्ट आपका है वेन्सडे को हम लोग एचपीजी के एमसीक्यूज करते हैं टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थर्सडे को हम जोग्रफी के करते हैं और मेन्स के करंट अफेयर जो है हम फ्राइडे को सवा दो बजे वाली सीरीज में कर रहे हैं तो so ये हमारा वीकली शेड्यूल है मेन्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फर्स्ट है आपका वाई इन न्यूज तो सेला टनल जो है अरुणाचल प्रदेश में है वो न्यूज में क्यों है अब ये टनल है बन रही थी तो टूवर्ड इट्स कंप्लीशन है इसलिए ये न्यूज में है अब ये स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है क्यों ऐसा कहा गया है क्योंकि ये बॉर्डर एरिया के नजदीक है जो हमारा चाइना से बॉर्डर एरिया है इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में वहां पे ये लोकेटेड है इसीलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन नेक्स्ट स्लाइड्स हम देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होने का क्या मतलब आ, होता है और हमारी नेशनल जो सिक्योरिटी है इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन टेरिटरी है उससे इसका क्या रिलेशन है तो ये प्री के लिए आपका ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ हम फैक्ट्स पढ़ेंगे वो प्री परस्पेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट

इंडिया चाइना का या इंडिया तिब्बत का कह सकते हैं हम तो जब हमने यहाँ पे देखा था तो इस चुंबी वैली डोकलाम यहाँ पे भी हमारा क्राइसिस आया था जब आपकी चाइनीज जो है आर्मी वो इनक्रोच करती नज़र आई थी तो इन एरियाज़ में इसलिए इनक्रोचमेंट होती है क्योंकि ये इनएक्सेसिबल है ठीक है जी अब विंटर टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनएक्सेसिबल रहते हैं तो यही दिक्कत हमने जम्मू एंड कश्मीर में देखी है तो जो भी आपके स्नोफॉल जहाँ पे भी रहती है विंटर मंथ्स में तो वो एरियाज आपके इनएक्सेसिबल हो जाते हैं तो अभी आपने देखा होगा कि आपकी चिनानी नशरी टनल बनी है जोजिला टनल बनी है तो ये सारी अटल टनल रिसेंटली बनी है तो ये सारी टनल जो है आपकी एक्सेसिबिलिटी पाने के लिए बन रही है और इनके क्या एम्स हैं लोकल लोगों के अलावा लोकल लोगों को तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही प्लस और इसका नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए क्या आ, एम है ये भी हम अपनी सब्सिक्वेंस स्लाइड्स में देखेंगे तो फॉर द टाइम बिंग आपने लोकेशन देख ली है आपके प्री के परस्पेक्टिव से असम के तेजपुर और तवांग को ये कनेक्ट कर रही है नाम है इसका सेला टनल सेला पास भी है तो यहाँ पे आपके जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर uh, लगता है एक तो चाइना से और दूसरा म्यांमार से तो यहाँ पे जो भी आपके इंटरनेशनल पासिस uh, है या फिर इस स्टेट में पासेस है वो हम एक बार देख लेते हैं वो आपके प्री परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो अरुणाचल प्रदेश में एक है आपका बॉमडिला पास सुना ही होगा आपने ठीक है अरुणाचल प्रदेश और लासा के बीच में है आपका है योंग्याप पास ये है आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत रीजन के बीच में दिहांग पास है अरुणाचल प्रदेश और मांडले के बीच में दीफू पास है आपका अरुणाचल और मांडले के बीच में और प्लस आपका लास्ट है चौखान पास ये भी आपका अरुणाचल और म्यांमार तो मांडले आपका कहाँ है म्यांमार में तो हिस्ट्री में भी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो काफी बार हमें देखने को मिलता है कि मांडले जेल में आपके जो फ्रीडम फाइटर्स को है भेज दिया जाता था तो उस टाइम पे रंगून वहां का नाम था म्यांमार तो वहां पे आपका है मांडले ठीक है तो ये आपके दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स कनेक्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश से तो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये बाकी पासिस है जो आपको अरुणाचल प्रदेश के पास देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है तो बॉमडिला पास है यहाँ पे ठीक है जी यहाँ पे है दिहांग पास दिख रहा है आपका डीफर पास अब कुमजांग पास चखान पास लेक पानी पास और हु पास तो ऐसे ही आपके बाकी जो उत्तराखंड में है नीति लीपू ठीक है माना पास वो आपके उत्तराखंड और तिब्बत रीजन को कनेक्ट करते हैं प्लस आपके हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास है जम्मू कश्मीर में आपके कितने सारे पासेस हम देखने को मिल रहे हैं जोजिला पास है ठीक है जी तो ये आपके पास जो है ये आपके प्री परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और जहां जहां आपकी टनल और इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है वो आपके मेन्स पर्स्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है अब करंट अफेयर एक ही है पर आपको डिसाइड करना है कि प्री परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेन्स पर्स्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो सेला टनल के बारे में अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं तो टोटल लेंथ कितनी है अब टनल बन रही है पर टोटल लेंथ कितनी है 12 किलोमीटर के अराउंड है तो इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है आपका टनल अप्रोच रोड और लिंक रोड ठीक है अब टनल जो है वो सिंगल टनल नहीं है वो दो टनल है उसको एक लिंक रोड बीच में कनेक्ट कर रहा है देखते हैं अब ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है आपके अरुणाचल प्रदेश का और, और अल्टरनेटिव एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है सेला पास को तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि सेला पास भी यहाँ पे और सेला टनल जो है ये अल्टरनेटिव एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है सेला पास को तो ये आपका बीसीटी रोड पे होगा पीसीटी रोड का क्या मतलब है अब वहां पे जो लोग है उस एरिया में उनको तो पता होगा बलीपारा चौरधार और तवांग एक्सेस तो ये रोड का नाम है इसी पे ये एग्जिस्ट करता है तो ये आपके कुछ प्रिलिम से के से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या है स्पेसिफिकेशंस है प्रोजेक्ट की अब ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है तो हमें पता है बॉर्डर के जगहों पे इलाकों में जो भी कंस्ट्रक्शन होती है रोड की वो बी करता है ठीक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं करता है बी करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो ये यहाँ पे टू टनल और एक लिंक रोड बना रहे हैं तो अब टू टनल कैसे फर्स्ट टनल आपकी इस तरह से फर्स्ट टनल है फिर इसको कनेक्ट करने के लिए दूसरी टनल से एक लिंक रोड बनाया गया है तो उन्हीं के आपको डिटेल्स दिए गए हैं टनल वन आपकी है नाइन एटी लॉन्ग है नाइन मतलब एक किलोमीटर के आसपास है यहाँ पे ठीक है जी तो टनल टू जो है वो आपकी वन पॉइंट फाइव 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 किलोमीटर के आसपास है अगर आप किलोमीटर में लें मीटर्स में फाइव 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 मीटर्स लंबी है आपकी अब इसमें क्या है एक बाई ट्यूब है ट्रैफिक के लिए और एक एस्केप ट्यूब भी है आपकी एमरजेंसी के लिए तो यह आपके काफी इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे एमरजेंसी के लिए भी एक एस्केप ट्यूब रखी गई है प्लस आपका जो लिंक रोड है टू टनल्स के बीच में वो बारह मीटर का है ठीक है तो ये आपका एक किलोमीटर का हो गया बीच का लिंक रोड ठीक है तो दो टनल्स है आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि दो टनल्स है सेला टनल को एक टनल है दो टनल है और उसको एक लिंक रोड कनेक्ट कर रहा है बीच में जो 1.2 किलोमीटर का है तो ये आप ये इस डायग्राम को भी आप याद रख लेंगे तो ये पूरी स्लाइड आपको याद हो जाएगी अब ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल है टनल टू की बात कर रहे हैं ठीक है प्री में आपको टनल वन भी लिखा जा सकता है यहाँ तो आपने ध्यान रखना है टनल टू की बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट टनल है जो इतने ऑल्टीट्यूड पे बनाई गई है तेरह हजार फीट का जो ऑल्टीट्यूड है आपका इस पे बनाई गई है ये लॉन्गेस्ट टनल है तो ये हमारा सेलर टनल के बारे में था यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉमडीला आपको यहाँ नजर आ रहा है और टनल कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो ही रही है और यहाँ पे आपका तवांग है बीच में आपको सेला टनल देखने को मिल रही है जो कनेक्ट कर रही है तवांग से रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो नेक्स्ट है हमारा कि सिग्निफिकेंट क्यों है तो अब इस तरीके की जो टनल्स है ये सिग्निफिकेंस पढ़ने से पहले हम ओवरऑल uh, एक सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं ये टनल्स हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी चाहिए होती है और स्पेशली ये बॉर्डर एरियाज है यहाँ पे इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ आपकी लोकल लोगों की नहीं रह जाती आपकी नेशनल सिक्योरिटी की आ जाती है तो जैसे एग्जाम्पल हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि चाइना जैसे इनक्रोच कर रहा था आपका वहाँ पे सिक्किम के पास तो वैसे ही उस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंसेज हमें एल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे देखने को मिलते हैं तो अभी आ, कुछ डेली कल करेंट अफेयर में भी आपने किया होगा कि आपके पैंगोंग सो लेक के पास भी चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन जो है उनकी साइड पे चल रही है ठीक है जी थी? तो इसलिए आपके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी और लोकल लोगों को जो बेनिफिट्स होंगे वो तो हमारे होंगे ठीक है तो अभी इस तरीके का जो भी प्रोजेक्ट होगा जो भी टनल होगा उसकी इंपॉर्टेंस ऑल ओवर यही रहेंगी कि लोकल लोगों को बेनिफिट हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है और आपके जो सोल्जर्स हैं उनकी मूवमेंट फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो सकेगी प्लस आपके वेपन्स है कभी कोई वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो उसे अभी आपको कम्युनिकेशन के लिए भी ईजी रहेगा तो ये पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हर प्रोजेक्ट के लिए अब इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का हम देखते हैं व्हाई इट इज सो सिग्निफिकेंट तो पहला आपका है ऑल वेदर कनेक्टिविटी तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी आपकी तमाम को जो पहले नहीं थी क्योंकि पहले क्या है आपका बर्फ से रस्ते बंद हो जाते थे और इसीलिए काफी टाइम के लिए वो कट ऑफ हो जाता था तो ये अब आपका नेक्स्ट क्या हो रहा है कि आपको अः ट्रेवल टाइम भी कट हो रहा है तेजपुर से तवांग जो हमने देखा था स्टार्टिंग में तेजपुर कहाँ है आपका आसाम में तो वहां से आपका वन आर वन आर से आपका ट्रेवल टाइम कट हो रहा है तो पहाड़ी इलाकों में आपका वन आर से भी अगर ट्रेवल टाइम कट हो जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है वो ठीक है जी अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि एक ये स्ट्रेंथन करेगा आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सिटीजन अब ऑब्वियस सी बात है कि बहुत टाइम के लिए अगर आपको एक एरिया कट ऑफ है कोई रिसोर्सेज नहीं है तो वहां पे जो है पढ़ाई नहीं है बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो काफी जो है बैकवर्ड वो एरिया हो जाता है एज कंपेयर टू द एंटायर कंट्री तो इसीलिए अब ये आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो वहां की स्ट्रेंथन होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं कहीं और रहने लग जाते हैं उन एरियाज की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो जाती है ठीक है तो लोकल पॉपुलेशन को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अब ये कट ऑफ नहीं रहेंगे ज्यादा टाइम तक मेन लैंड से तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखते हैं हम अब सेला पास है वो क्लोज रहती है विंटर मंथ्स में जैसे हमने देखा ये हैवी स्नोफॉल की वजह से अब जब टनल रेडी हो जाएगी तो वहां पे हमें 12 मंथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी ठीक है अभी वहां कट ऑफ नहीं होगा वो रीजन तो लॉजिस्टिकल जो चैलेंज था कि कुछ मिलिट्री या फिर सिविल व्हीकल्स uh, है जा नहीं सकते थे मूवमेंट नहीं हो सकती थी वो अब 12 मंथ्स के लिए पॉसिबल रहेगी तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपकी न्यू अलाइनमेंट है ऑन द एक्सिस ऑफ एल ए क्या है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ जो हम बॉर्डर देखते हैं तो हमारी मिलिट्री और सिविल वेहीकल्स की मूवमेंट थ्रू आउट रहेगी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी से स्ट्रेंथन होगी तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं अब फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ वेहीकल्स एंड सोल्जर्स तो जैसे हमने देखा जो हमारी इंडो चाइना वॉर भी हुई थी तो वहां पे कहीं कही ना कहीं हमारे ये हम लैक रह गए थे कि हमें मूवमेंट में टाइम लग गया ऑल ओवर इंडिया से जो भी हमारा डिप्लॉयमेंट थी सोल्जर्स की या फिर वेपन्स की उसमें हमें टाइम लग गया और इसी चक्कर में हमारे जो है वॉर में काफी हमें नुकसान देखना पड़ा तो इसी को स्ट्रॉन्ग uh, करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है तो ये डिस्कस किया है हमने आज जिला I hope you will like the lecture. Thank you so much and have a nice day.